दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव समाप्त हो गए, परिणाम आप सबके सामने हैं। हरियाणा की 10 सीटों में से 5 सीट कांग्रेस जीतने में सफल रही और 5 सीटें भाजपा के हाथ से खिसक गई। लेकिन इसमें एक जो बहुत बड़ी बात रही वो चौधरी देवीलाल परिवार की पार्टी अभय चौटाला, जिसको जिसका नेतृत्व कर रहे हैं इनेलो, उसका जो प्रदर्शन रहा लोकसभा चुनावों में वो बहुत लचर रहा और पूरा का पूरा कुनबा, जितने भी लोग तब देवीलाल परिवार के इन चुनावों में खड़े हुए थे, सबको मुंह की खानी पड़ी और सारे के सारे परिवारजनों की जमानतें जब्त हो गई। और इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला भी अपनी जमानत नहीं बचा सके। तो हम सवाल पैदा होता है कि जो तब देवीलाल परिवार के या चौटाला परिवार के जो भी सदस्य 4-5 चुनाव लड़े थे, उनकी सबकी सब की जमानतें जब्त हो गई, तो आने वाले विधानसभा में ताऊ देवीलाल परिवार का राजनीतिक रूप से क्या हश्र होने वाला है? उनके समर्थकों में भी इस बात को लेकर बड़ी चिंता है। और ऊपर से अभय चौटाला कुछ भी भविष्यवाणियां करते रहे कि हम आने वाले विधानसभा चुनावों में जमकर मुकाबला करेंगे और नई शक्ति बनकर हरियाणा में उभरेंगे, लेकिन ये तो उनके अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने वाली बात है। लेकिन जिसका पिछले विधानसभा चुनावों में 90 में से सिर्फ एक उम्मीदवार जीता, अभय चौटाला जीते, और 89 पर उनकी हार हुई, और वर्तमान में जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें भी उनका सूपड़ा साफ हो गया, तो उनके समर्थकों को जो भारी संख्या में तो हैं, लेकिन कुछ माहौल हरियाणा में ऐसा बन रहा है कि ताऊ देवीलाल का परिवार बिखर गया है और उनके आपस में टूट फूट होने, कई दलों अलग अलग बनाने और अलग अलग चुनाव लड़ने के कारण जो इनेलो एक हरियाणा में बड़ी ताकत हुआ करती थी वो छिन्न भिन्न हो गई है। और कई बार जिस परिवार के ओम प्रकाश चौटाला जी 4-5 बार मुख्यमंत्री बने, ताऊ देवीलाल भी मुख्यमंत्री बने और देश के उप प्रधानमंत्री भी बने, आज वो परिवार जो हरियाणा का बहुत धाकड़ राजनीतिक परिवार कहलाता था, आज उसकी स्थिति राजनीतिक रूप से दयनीय हो गई है। और जो हालात दिख रहे हैं उसमें जो उनका भविष्य है गर्दिश में नजर आ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि ताऊ देवीलाल का परिवार राजनीतिक रूप से किस तरीके से सरवाइव कर सकता है या इतिहास बनकर रह जाएगा। और जानकार की माने तो उनका एक ही कहना है कि नए सिरे से ताऊ देवीलाल परिवार को संगठित होकर अपने मनमुटाव खत्म करके एक मंच पर आकर इनेलो को नए सिरे से मजबूत करना होगा। और पूरा परिवार जब तक एक होकर पूरे हरियाणा में इनेलो को मजबूत करने के लिए अभियान नहीं चलाता है और एक मंच पर नहीं आते हैं और अपने मतभेद नहीं भुलाते हैं, तो उन स्थितियों में तो इनेलो का डूबना लगभग तय लग रहा है। और एक ही रास्ता है कि वो सारा परिवार राजनीतिक रूप से एक मंच पर आए, अपनी गलतियों को मानकर एक दूसरे के मान सम्मान करते हुए चौटाला जी सारे परिवार को इकट्ठा करें और इनेलो को फिर पहले जैसी मजबूती में लाकर आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए तैयार करें और बेहतरीन तरीके से वो चुनावी गठबंधन भी करें और धाकड़ उम्मीदवारों को अपने उम्मीदवार बनाएं और 36 बिरादर में नए सिरे से अपने पैठ बनाएं
तो ही इनेलो नए अवतार में आकर हरियाणा में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर सकती है। यदि ऐसा नहीं किया तो इनेलो और ताऊ देवीलाल का परिवार राजनीतिक रूप से इतिहास के पन्नों में समा जाएगा। तो ये थी दोस्तों कि ताऊ देवीलाल का परिवार राजनीतिक रूप से कितना कमज़ोर हो चुका है और सर्वाइव करने के लिए उसे क्या करना चाहिए। तो दोस्तों ये था मेरा आज का मुद्दा। देखते रहिए देश रोजाना, मिलते हैं फिर एक नए मुद्दे पर नए एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।